So hello everybody, welcome back to our game YouTube channel. This is your host RYB and हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ. तो वीडियो को शुरू करते हैं. उससे पहले अगर आप लोग ने हम लोग को Instagram पे फॉलो नहीं किया then please जाइए फॉलो करिए. वहाँ पे हम लोग गिवअवे भी कर रहे हैं. तो RYB और RYK दोनों को फॉलो करिए Instagram पे. वीडियो पे आते हैं सीधे. तो इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ कि कैसे प्रोफेशनल दिखे, मतलब आप एक प्रो प्लेयर कैसे दिख सकते हो. तो यहाँ पे आपको प्रो दिखने के लिए क्या चाहिए उसकी बात करेंगे. तो आते हैं नंबर वन. तो प्रो दिखने के लिए जो नंबर वन सबसे जरूरी चीज है वो है कैमरा मूवमेंट. तो आप किसी भी प्लेयर को देख के बता सकते हो क्या वो प्रो है या नहीं है. तो जो नॉर्मल बिगिनर होते हैं वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, हाथ में गन लेके कैमरा मूव करते हैं कुछ इस तरीके से और बिना स्प्रिंट किए. लेकिन जो एक प्रो प्लेयर होता है वो कैमरा भी मूव करता है, साथ ही साथ स्प्रिंटिंग भी कंटिन्यूअस करता है. तो इसके लिए करना क्या है ये आपको मैं भी बताता हूँ. तो कुछ इस तरीके से प्रो प्लेयर्स आप जिसको भी देखोगे वो स्प्रिंटिंग करेंगे और जंप करेंगे. जिस टाइम जंप करते हैं उसी टाइम कैमरा मूवमेंट करते हैं कुछ इस तरीके से. देखो जब जंप हो रहा है तभी कैमरा मूवमेंट हो रहा है. तो इससे क्या चीज है कि आप राइट लेफ्ट हर तरफ देख सकते हो वो भी स्प्रिंट करने के साथ. तो ये बहुत बढ़िया चीज है और आपको स्प्रिंट रोकनी नहीं पड़ेगी, आपको रनिंग पोजीशन रोकनी नहीं पड़ेगी. आपको क्या करना है, स्प्रिंट करना है, जंप करना है और इधर उधर देख लेना है जब तक आप एयर में होगे. नंबर टू की बात करें तो नंबर टू टिप क्या है आपको प्रो प्लेयर दिखने के लिए. तो आप कोई भी प्लेयर को जब वो लूट करता है उस टाइम आप उसको देख के बता सकते हो क्या वो एक प्रो प्लेयर है या फिर वो एक बिगिनर है. तो उसके लिए क्या करना होता है आपको बता दूंगा. और अभी तक अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट करिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. तो जो भी प्रो प्लेयर होते हैं वो जब भी लूट करते हैं तो लूट क्रेट को क्राउच करके रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं गोल गोल और बैग ओपन नहीं करते. आप जो बैग वाला बटन होता है मैं आपको बताऊंगा, लेफ्ट में जो बैग है वो आपको ओपन नहीं करना है. वो आप तभी ओपन करोगे जब आपको पता है कि आप 100% सेफ पोजीशन पे हो. आपको क्या करना है, मूवमेंट करना है इस तरीके से गोल गोल और जो राइट में आप देख रहे हो राइट थंब से इसको स्क्रॉल करके पूरी लूट करनी है. बैग को कम से कम खोलो, मतलब जब लगे कि हाँ बिल्कुल सेफ हो तभी आप पूरा बैग ओपन करो, वरना बिना बैग ओपन करे ही लूट करो. ठीक है, इसके बाद एक मैं आपको बोनस टिप दे देता हूँ लूट की. अब मानो वहां पे लूट क्रेट है, ठीक है, उसमें लेवल 2 की फोरग्रिप पड़ी है और आपको वो चाहिए, आपके गन में लेवल 1 की फोरग्रिप लगी है. तो आपको करना क्या है, लेवल 1 की फोरग्रिप पहले ही निकाल दो. ठीक है, देखो वहां पे उसमें लेवल 2 की फोरग्रिप है. अब हो सकता है आसपास जो एनिमी हो उस पर एम करके बैठे हो, तो अब आप वहां जाके अपना बैग ओपन करके अपने गन में से स्किन जो फोरग्रिप है लेवल 1 की वो निकाल के फेंकोगे देन वो उठाओगे, तो काफी लंबा प्रोसेस है. तो इससे अच्छा है पहले ही लेवल 1 की फोरग्रिप आप इधर से फेंक दो और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली वहां जाना है तो ऑटोमेटिक राइट में वो ऊपर आ जाएगी, जो फोरग्रिप होगी वो बाय डिफॉल्ट ऊपर आ जाएगी. आपको जस्ट एक क्लिक करना होगा और वापस कवर में वापस भाग के आ सकते हो. तो ये ट्रिक बहुत सही है अगर मान लो कि जो लूट क्रिएट है वो थोड़ा सा ओपन में पड़ी है और आपको थोड़ा खतरा है कि हाँ हो सकता है कोई वहां पे स्नाइपिंग कर रहा हो, तो इसलिए यहाँ पे ये टेक्निक यूज की जा सकती है. तो नंबर 3 टिप क्या होगी प्रो दिखने के लिए, वो है क्विक स्विचिंग. तो कोई भी प्लेयर है उसको अगर आप देख रहे हो, अगर वो गन बहुत सही तरीके से स्विच कर रहा है, मतलब शॉर्ट गन से मिली वेपन पे या मिली वेपन से एआर गन पे काफी फास्ट स्विचिंग कर रहा है, बहुत सही स्विचिंग कर रहा है, तो उससे आप समझ सकते हो कि हाँ यार ये प्लेयर बहुत सही है, ये थोड़ा प्रो प्लेयर है, प्रोफेशनल प्लेयर है. तो स्विचिंग का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, तो अगर आप अच्छी स्विचिंग कर रहे हो तो आप एक प्रो प्लेयर दिखोगे बिल्कुल. तो अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एआर गन ले लिया. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसे साउंड सुना कि हाँ शायद आसपास कुछ कोई ना कोई बंदा है, तो या मुझे अगर नहीं भी पता है तो भी अगर मैं एक फास्ट स्विचिंग कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो मैंने स्पॉट किया और तुरंत मिली पे स्विच किया, वापस फिर से यूएमपी पे स्विच किया और ये मार के ग्लू वॉल लगा दी. तो यहाँ देखो कितनी तेजी में सब चीजें हुई कि मिली पे भी स्विच किया और यूएमपी भी स्विच किया, तो ये काफी फास्ट भी स्विच किया, मतलब काफी स्पीड में स्विच किया. तो अगर ऐसा कोई करता है तो हाँ आपको देख के लगेगा हाँ यार ये बंदा प्रो है. तो क्विक स्विचिंग का भी काफी ज्यादा रोल होता है प्रो दिखने के लिए. तो आपको बता दें नोनो लाइव पे हम लोग गिव अवे कर रहे हैं हर दिन रात में 8 से 9 बजे के बीच में. वीकली मेंबरशिप का गिव अवे हो रहा है. आपको करना क्या है, जस्ट नोनो लाइव डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसके बाद आपको क्या करना है वहां जाके सर्च करना है, ऐसे डाउनलोड हो जाएगा. सर्च करना है, क्या सर्च करना है, एरो गेमिंग सर्च करना है. यहाँ पे लिखोगे आप एरो गेमिंग
और एरो गेमिंग लिखने के बाद सिंपली सर्च पे क्लिक कर दोगे, ऊपर देखोगे एरो गेमिंग YT आ जाएगा, इसको ओपन करना और यहाँ देखो फॉलो का जो बड़ा सा बटन है लाल लाल कलर का, इसको हिट कर देना और हमको आप फॉलो कर लोगे और सारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो कि रात में होते हैं। इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 8000, ज्यादा नहीं रखा है बस 8000, होप आप लोग इतना कर दोगे। अगर आप ये कर देते हो तो मैं बनाऊंगा हयातों के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स, उसको किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या टेक्निक्स है हयातों की। तो फ्री फायर फनी मोमेंट हम लोग की जो वीडियो थी उस पर 2 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, तो जल्दी से जाके पूरे कर दो 2 मिलियन व्यूज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो, अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करना। और कोई भी वीडियो अगर मिस नहीं करना है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर सेट कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस आप ना करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।